माता की, भारत माता की। मैं एक नारा बोलूंगा, आप लोगों को मेरे साथ दोहराना है। मैं कहूंगा विविधता में एकता, आप कहेंगे भारत की विशेषता। विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता, भारत माता की। मंच पर विराजमान केंद्र मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, हरदीप पुरी जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान मनोज तिवारी जी, विजय गोयल जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी, श्रीमान रमेश बिधोड़ी जी, प्रवेश वर्मा जी, हंसराज हंस जी, श्रीमान गौतम गंभीर जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, देश के गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान विजय कुमार मल्होत्रा जी, सभी वरिष्ठ साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए दिल्ली के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। ये रामलीला मैदान अनेक ऐतिहासिक अवसरों का साक्षी रहा। इसी मैदान पर आज आप इतनी बड़ी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, जीवन से जब अनिश्चितता निकल जाती है, एक बड़ी चिंता हट जाती है, तो उसका प्रभाव क्या होता है, ये मैं आज आप सभी के चेहरे पर देख रहा हूं, आपके उत्साह में देख रहा हूं, आपकी गर्मजोशी को अनुभव कर रहा हूं। मुझे संतोष है कि दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में नया सवेरा लाने का एक उत्तम अवसर मुझे और भारतीय जनता पार्टी को मिला है। प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से आपको आपके अपने घर
अपनी जमीन अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उस पर संपूर्ण अधिकार मिला, संपूर्ण अधिकार। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने दिल्ली के लोगों के इस अधिकार से दूर रखा था, जिन्होंने तरह तरह के रोड़े अटकाए, वो आज देख सकते हैं कि अपने घर पर अधिकार मिलने की खुशी क्या होती है, वो आज रामलीला मैदान में दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आजादी के इतने दशकों बाद तक दिल्ली की एक बड़ी आबादी को अपने घरों को लेकर डर, चिंता, अनिश्चितता, छल कपट और झूठे चुनावी वायदों से गुजरना पड़ा है। गैर कानूनी, इलीगल, अनऑथोराइज, जेजे क्लस्टर, सीलिंग, बुलडोजर और एक कट ऑफ डेट, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द दिल्ली की एक बड़ी आबादी का जीवन सिमट गया था। चुनाव आते थे तो तारीखें आगे बढ़ाई जाती थी, बुलडोजर का पहिया कुछ समय तक रुक जाता था, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती थी। आपको इस चिंता से मुक्त करने की, इस समस्या के स्थायी समाधान करने की ईमानदारी, नीयत इन लोगों ने कभी नहीं दिखाई। हालत तो ये थे कि ये लोग कॉलोनियों से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां जुटाने के लिए, बाउंड्री तय करने के लिए 2021 लग जाएगा, 2021 का समय बढ़ा दो, ये मांग कर रहे थे। जब गरीब के लिए काम करना होता है, मध्यम वर्ग के लिए काम करना होता है, तो इनके काम की रफ्तार क्या होती है, ये इनकी इन बातों से पता चलता है जब बेशरम होकर के कहते हैं कि 2021 तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की इस रफ्तार को देखते हुए ही हमने कहा, ऐसा नहीं चलेगा, न मैं चलने दूंगा। और इसलिए हमने इस साल मार्च में ये काम खुद अपने हाथ में लिया और इस अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में प्रक्रियाएं पूरी की। और अभी अभी जो लोकसभा का सत्र हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास कराया जा चुका है। साथियों,
इतने कम समय में टेक्नोलॉजी की मदद से दिल्ली की 1700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 1200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के बिजनेस, यहां के कारोबार को भी गति देने वाला। साथियों, समस्याओं को लटका कर रखना ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। ये हमारे संस्कार नहीं है और न ही राजनीति का हमारा ये रास्ता है। आप सोचिए, जिन लोगों पर आप लोगों ने अपने घरों को नियमित कराने के लिए भरोसा किया था, वो खुद क्या कर रहे थे, ये दिल्ली वासियों ने जानना बहुत जरूरी है। जब आपने अपने लिए कुछ मांग रहे थे और जिनसे मांग रहे थे वो क्या कर रहे थे, ये भी आपको जानना चाहिए। इन लोगों ने दिल्ली के सबसे आलीशान और सबसे महंगे इलाकों में 2000 से ज्यादा बंगले अवैध तरीके से अपने कारोबारियों को दे रखे थे। इन बंगलों के बदले किसको क्या मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। पहले जो सरकार चला रहे थे उन सरकार वालों ने इन बंगलों में रहने वालों को तो पूरी छूट दी, लेकिन आपके घरों को नियमित करने के लिए कुछ किया भी नहीं। और जब मैं कर रहा था तो रोड़े अटकाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। लेकिन इन्हें पता नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था ये मोदी है। दिल्ली के 2000 से ज्यादा सरकारी बंगले तो खाली कराए ही, साथ साथ दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर का हक भी दे दिया। उनके वीआईपी, उनको मुबारक। मेरे वीआईपी तो आप ही लोग हैं। देश का सामान्य मानवी है। साथियों, दिल्ली के लोगों का जीवन आसान बने
ईज ऑफ लिविंग बढ़े, दिल्ली में कनेक्टिविटी बेहतर हो, ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। तमाम राजनीति अवरोधों के बीच बीते 5 वर्षों में हमने दिल्ली मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया है। साथियों, 2014 के पहले दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में औसतन करीब 14 किलोमीटर प्रतिवर्ष का विस्तार हो रहा था और तब दिल्ली में उनकी सरकार थी और भारत सरकार में भी वही लोग थे, फिर भी ये हाल था। हमारी सरकार आने के बाद राज्य सरकार का रवैया कैसा है वो बताने की जरूरत नहीं है। सारे विरोध, अवरोध, रुकावटें सब, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने 5 साल में स्थिति पैदा की है कि जहां 14 किलोमीटर का काम होता था अब करीब करीब 25 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया है। यानी दिल्ली में अब सालाना करीब 25 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बन रहा है। पिछले 5 साल में दिल्ली में 116 किलोमीटर नई लाइनें शुरू है। इसके अलावा अभी करीब 70 किलोमीटर नए रूट पर काम हो रहा है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को लेकर अगर यहां की सरकार, यहां की राज्य सरकार राजनीति पर उतारू न होती, राजनीति के अड़ंगे न डाले होते, बेवजह मुसीबतें पैदा न की होती, तो इसका काम काफी पहले शुरू हो गया होता। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके नाम पर राजनीति करने वाले आपकी तकलीफों को कभी न समझे हैं, न समझने का उनका इरादा है। बरसों से ये लोग बसों को लेकर जो बहाने बता रहे हैं, जो हालत दिल्ली की बसों की इन लोगों ने कर दी है, वो दिल्ली के लोग भली भांति रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं। भाई और बहनों, अपने दफ्तर आने जाने में, अपने घर आने जाने में दिल्ली के लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका हमने निरंतर प्रयास किया है। दिल्ली के भीतर सड़कों पर ध्यान देने के साथ ही दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। ये एक्सप्रेसवे भी बरसों से अटका, लटका, भटका पड़ा था। इसे पूरा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अब इसके बन जाने से रोजाना 30-40 हजार ट्रक, अब वो दिल्ली के भीतर नहीं आते हैं, वो बाहर ही बाहर निकल जाते हैं। इससे दिल्ली के ट्रैफिक पर भी बोझ कुछ कम हुआ है और प्रदूषण की समस्या पर भी अंतर लाने में उसने मदद की। साथियों, शहर में प्रदूषण कम हो इसके लिए भी हमने निरंतर प्रयास किया। बीते 5 वर्षों में दिल्ली में सैकड़ों नए सीएनजी स्टेशन लगाए गए हैं। यहां जो उद्योग धंधे चल रहे हैं,
उनमें से आधों को पीएनजी आधारित बनाया जा चुका है। इसके अलावा हजारों ईंट भट्ठों को नई तकनीक से जोड़ा गया है। अगर पराली जलाने की बात है तो आसपास के राज्यों को भी हमने मदद की है, तत्परता से उनका साथ दिया है और कम करने का प्रयास किया है। लेकिन साथियों, आज दिल्ली में जो राज्य सरकार है वो यहां की सबसे बड़ी समस्या से आंख मूंद कर बैठी है। ये समस्या है पीने के पानी की। इन लोगों की माने तो पूरी दिल्ली में हर जगह बिस्लेरी का ही पानी जैसे मिलता है, साफ मिलता है, हर घर में बिल्कुल साफ पानी आता है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली सरकार के वादे से आप सहमत हो, उनकी बातों से सहमत हो? क्या सचमुच में आपको साफ सुथरा शुद्ध पानी मिलता है? आपको पानी देख करके चिंता होती है कि नहीं होती है? बीमारी का डर लगता है कि नहीं लगता है? ये आपको भी झूठ कह रहे हैं, आपको भी झूठा बता रहे हैं। आप बताइए दिल्लीवासी, क्या आप झूठे हैं? क्या आप बेईमान हैं? कैसे आरोप देश के नागरिकों पर लगा रहे हैं? दिल्ली के लोगों से जो कुछ भी बोला गया है उसकी सच्चाई दिल्ली के लोग हर रोज देख रहे हैं। साथियों, सच्चाई यह है कि आज दिल्ली में देश भर में सबसे अधिक वाटर प्यूरिफायर यानी कि पानी को शुद्ध करने वाली मशीनें रोजाना बिकती हैं। लोग ये खर्चा क्यों करने पड़ रहे हैं भैया? जो वाटर प्यूरिफायर नहीं लगा सकता वो 40-50 रुपए की बोतल खरीदता है या फिर उसे मजबूरी में प्रदूषित पानी से काम चलाना पड़ता है। अधिकांश जगहों पर नल से या तो पानी आता ही नहीं है और जो पानी आता भी है उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। और ये लोग कहते हैं दिल्ली में पानी की गंदगी कोई दिक्कत ही नहीं है। भाइयों और बहनों, ये लोग किस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किस हद तक जा रहे हैं ये आपने पिछले हफ्ते भी देखा है। जो बयान दिए गए, जिस तरह लोगों को भड़काया गया, उकसाने वाली बातें कही गई, झूठे वीडियो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने सोशल मीडिया में डाल करके भ्रम फैलाने का, आग फैलाने का गुनाहित कृत्य किया है। साथियों, अभी हाल में जो संसद का सत्र समाप्त हुआ उसमें दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़े बिल को तो हमने पारित किया, आपको अधिकार देने का निर्णय किया, उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिल पास हुआ, सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल। भारत की संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने
आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दलित पीड़ित शोषितों के भविष्य के लिए लोकसभा राज्यसभा ने, सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, देश की पार्लियामेंट का सम्मान कीजिए, देश की लोकसभा का सम्मान कीजिए, देश की राज्यसभा का सम्मान कीजिए। देश की जनता ने चुने हुए हमारे सांसदों का सम्मान कीजिए, पूरी ताकत से सम्मान कीजिए। दोस्तों, आपके साथ जुड़ करके देश के दोनों सर्वोच्च सदन, लोकतंत्र के मंदिर, वहां बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मैं आपके साथ, मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन भाइयों, इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों, इस बात को समझिए भाइयों बहनों, मैं जरा ये भ्रम फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था क्या है, आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? क्या हमने आपसे कोई सबूत मांगे थे? 70 का सबूत लाओ, 75 का सबूत लाओ, 80 का सबूत लाओ, मांगा था? केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला, सिख भाई बहनों को मिला, ईसाई भाई बहनों को मिला, जो भी यहां बसते हैं उन सबको मिला। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम देश से लगाव के कारण जीते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को समर्पित है। भाइयों बहनों, अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। एक ही सत्र में दो बिल पारित हुए हैं। एक बिल में मैं दिल्ली के 40 लाख लोगों को अधिकार दे रहा हूं और ये झूठ फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाले कानून बना रहा हूं। ये झूठ चलने वाला नहीं है, देश स्वीकार करने वाला नहीं है,
भाइयों बहनों, मैं ये जो झूठ बोलने वाले हैं मैं उनको चुनौती देता हूं, जाइए मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए, कहीं पर दूर दूर तक भेदभाव की बू आती है तो देश के सामने ला करके रख दीजिए। भाइयों बहनों, मैं एक एक करके आज बताना चाहता हूं दोस्तों, बताऊं ना, पूरा देश मुझे कई दिनों से कह रहा था कुछ बताइए, आज देश को भी मैं बता देता हूं। एक एक योजना को देखिए, जब हमने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, क्या हमने किसी का धर्म पूछा था? क्या हमने उसको 70, 72, 75 के प्रमाण मांगे थे? उनकी जाति पूछी थी? मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस और उसके साथियों से, उसकी तरह देश को बांटने की राजनीति करने वाले उनके साथी दलों से कि आप क्यों देश की जनता से झूठ बोल रहे हो, क्यों उन्हें भड़का रहे हो? भाइयों और बहनों, हमने दिया इतना ही नहीं, आगे भी हमारा संकल्प है कि हर गरीब परिवार को उज्ज्वला का योजना का लाभ पहुंचाएंगे। कोई बाकी नहीं रहेगा। भाइयों बहनों, पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों का घर बना दिए। हमने किसी से नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है, न जाति पूछी न धर्म पूछा, हमने सिर्फ गरीब की गरीबी को देखा। फिर क्यों कुछ लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं? और आज जो ये लोग कागज कागज सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इसके नाम पर मुस्लिमों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हमने गरीबों की भलाई के लिए इन योजनाओं के लाभार्थी चुनते समय कागजों की बंदी से नहीं लगाई। वरना पहले तो ये होता था कि सरकार की योजना शुरू होने पर लाभार्थियों को तमाम तरह की तिकड़े में लगानी पड़ती थी, यहां वहां चक्कर काटने पड़ते थे। हमने ये सब बंद करा दिया, हमने तय किया हर योजना का लाभ हर गरीब को मिलेगा, जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाएगा। उज्ज्वला के लिए, आवास योजना के लिए, मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए सरकार स्वयं सामने से लोगों के झोपड़ी तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया गया। न हमने कभी किसी का धर्म पूछा, न जानने की कोशिश की, न हमने कभी यह पूछा का मंदिर जाते हैं कि मस्जिद जाते हैं कि गुरुद्वारा जाते हैं कि चर्च जाते हैं, हमने कभी नहीं पूछा। फिर क्यों इस तरह का झूठा आरोप हम पर लगाया जा रहा है? साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आज भारत में चल रही है। इस योजना ने
देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित की है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण यहां की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं की, लेकिन जिन राज्यों में ये योजना लागू हुई है वहां लगभग 70 लाख मरीजों का जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा रहे थे, पीड़ा झेल रहे थे, मुसीबतों से गुजारा कर रहे थे, आज इस योजना के कारण इन 70 लाख लोगों का इतने कम समय में इलाज मुफ्त में हो गया। इन लाभार्थियों में सभी संप्रदाय के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी पूजा पद्धति के लोग हैं। इस योजना में तो किसी से नहीं पूछा जा रहा कि पहले आप अपना धर्म बताइए, फिर आपका इलाज शुरू किया जाएगा। फिर ऐसे झूठे आरोप क्यों? इस तरह के आरोपों के बहाने भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश क्यों हो रही है? साथियों, इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। जिस तरह बच्चों की स्कूलों पर हमले हुए, यात्री बसों पर, ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, लोगों की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, साइकिल को, छोटी छोटी दुकानों को जलाया गया है, भारत के ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा, उससे बनी सरकारी संपत्ति, उसे आग में खाक कर दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। इनकी राजनीति कैसी है, इनके इरादे कैसे हैं, यह देश भली भांति समझ चुका है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं पहली बार मैं जीत करके आया, देश की जनता ने मुझे जीता करके बिठाया, तो जो लोग नहीं चाहते थे उनको समझ नहीं आया कि कैसे हो गया। दोबारा न जीत पाऊं, देश की जनता समर्थन न करे, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसके पास जो साधन था उपयोग किया, झूठ जितने फैलाने थे फैलाए, लेकिन देश की जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए। ये सदमा ये अभी भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये पहले तो आ गया, ये दोबारा कैसे आ गया? और जिस दिन नतीजे आए हैं उसी दिन से ये देश में तूफान खड़े करने की फिराक में है, ये इनके इरादे हैं। और कोशिशें पहले भी की लेकिन लोग साथ नहीं दे रहे हैं, उनका यही हाल होने वाला है। और मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, अगर मोदी को देश की जनता ने बिठाया, ये आपको अगर पसंद नहीं है मैं समझ सकता हूं, तो आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी को नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है जरूर करो। आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। अरे मोदी का पुतला लगा करके
आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो, मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। मोदी पे निकालो, गरीब ऑटो वालों, गरीब बस वालों, मारकर पीटकर आपको क्या मिलेगा? और भाइयों बहनों, जिन पुलिस वालों पर ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें जख्मी कर रहे हैं, मैं जरा इन तूफानियों से पूछना चाहता हूं, इनके आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं, पर्दे के पीछे मुंह छिपाकर खेल खेल रहे लोगों से पूछना चाहता हूं कि पुलिस के जवानों को अपनी ड्यूटी करते समय जो हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्या मिलेगा आपको? और इन शरारती तत्व समझ लें, जब पहले भी आपकी सरकार थी, ये पुलिस वाले भी आप ही के थे। सरकारें बदलती हैं, पुलिस वाले किसी के दुश्मन नहीं होते। इस देश को पता नहीं है, आजादी के बाद 33,000, ये आंकड़ा बताइए लोगों को, आजादी के बाद 33,000 हमारे पुलिस भाइयों ने शांति और सुरक्षा के लिए शहादत दी है। 33,000 आंकड़ा कम नहीं होता। रक्षा करने के लिए शहीद हुए और आप बेरहमी से उनको मार रहे हो। जब कोई संकट आता है, कोई मुश्किल आती है, तो पुलिस न धर्म पूछता है, न जाति पूछता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, न ठंड देखता है, न बारिश देखता है, वो आपकी मदद के लिए आके खड़ा हो जाता है। अभी यहां दिल्ली में ही, अभी यहां दिल्ली में ही पिछले दिनों जिस मार्केट में आग लगी, मंडी में इतने लोगों की जान गई, उस समय पुलिस किसी का धर्म पूछने नहीं गई थी, आग के अंदर जाकर के जितना जिंदा लोगों को निकाल सके निकालने का काम किया था। आप पुलिस पे हमला कर रहे हो और देश के नेता, 100 साल से पुरानी पार्टी के नेता, उनको हिंदुस्तान क्या है? उपदेश दे रहे हैं लेकिन शांति के लिए दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है, हिंसा छोड़ने के लिए एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब हिंसा को आपकी मुख्य सहमति है। पुलिसों पर हो रहे हमले, निर्दोषों पर हो रहे हमले, उसको आपकी
मौन सहमति है, ये देश देख रहा है। भाइयों बहनों, आप मुझे कल्पना कीजिए, पुलिस का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पुलिस का आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस को हम परेशान करेंगे तो हमारी परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 33,000 पुलिस शहीद हुए हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आइए उन 33,000 शहीद पुलिसों को याद करते हुए मेरे साथ नारा बोलिए, शहीद हो, शहीद हो, अमर रहो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो। इन सभी शहीद पुलिस आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं और मैं अनधिकृत कॉलोनी के लोगों से आग्रह करूंगा, 1700 से ज्यादा कॉलोनी है, यहां हमारी सरकार बनने के बाद शहीदों के श्रद्धांजलि देने वाला एक भव्य स्मारक बनाया है, इन 1700 कॉलोनी के लोग जरूर एक बार वहां जाकर के फूल चढ़ा करके आ जाए। करेंगे आप लोग? शहीदों का सम्मान करेंगे? पुलिस का सम्मान करेंगे? पुलिस से भाईचारा बढ़ाएंगे? साथियों, झूठ बेचने वाले, अफवाह फैलाने वाले, इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। ये दो तरह के लोग हैं, ये वो लोग जिनकी राजनीति दशकों तक वोट बैंक पर ही टिकी रही है, भय फैलाकर, थैंक यू भैया, पीछे वालों को दिखता नहीं है, थैंक यू, आपका प्यार सर आंखों पर, मैं कहीं पर भी हूं दूर वालों की भी तकलीफ समझता हूं। दूसरे वो लोग जिनको इस राजनीति का लाभ मिला है, ये लोग सोचते थे कि खुद ही सरकार है, उनको लगता था कि देश उनके इशारे पर चलता है, ये सोचते थे कि वो जो इतिहास बताएंगे वही सच मान लिया जाएगा, वो जो भविष्य बताएंगे उसको ही भारत का भाग्य मान लिया जाएगा। वोट बैंक की राजनीति करने वाले और खुद को भारत का भाग्य विधाता मानने वाले, आज जब देश की जनता द्वारा नकार दिए गए हैं तो इन्होंने अपना पुराना हथियार निकाल लिया है। बांटो, भेद करो, भेदभाव करो और राजनीति का। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उसी वीरों के जैसे में झंडवा देंगे, जैसे में तकिया, उसी वीरों में तो है। आयो लाल सभी जाओ, आयो लाल सभी जाओ, आयो लाल सभी जाओ।